मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी महान शख्सियत थे जो लोगों के लिए एक प्रेरणा है। यूं तो अब्दुल कलाम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां देंगे जिससे आप उनके महान व्यक्तित्व को और करीब से जान पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम है अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। कलाम जी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता परिवार चलाने के लिए मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। घर की आर्थिक तंगी के चलते अब्दुल कलाम जी केवल 5 साल की उम्र में अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचा करते थे। कलाम जी की गणित में खास रुचि थी और वह सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर अपने अध्यापक स्वामीयर के पास पढ़ने जाते थे, जो बच्चों को निशुल्क पढ़ाते थे। वहां से आकर पिता के साथ कुरान शरीफ का अध्ययन करते और फिर अखबार बांटने निकल पड़ते। कलाम जी ने रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स में स्नातक किया। 1955 में कलाम जी ने मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। अब्दुल कलाम जी का सपना था कि वो एक पायलट बने और एक बार इंडियन एयरफोर्स में पायलट के चयन में इन्होंने 9वीं रैंक प्राप्त की, लेकिन उसमें केवल 8 ही सिलेक्शन होने थे और इनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। बाद में कलाम जी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और वहां इन्होंने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया। इसके बाद 1969 में कलाम जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। अब्दुल कलाम जी ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल बनाई और इनके प्रतिनिधित्व में भारत ने साल 1998 में 11 और 13 मई को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। ऐसे परीक्षण के बाद से ही अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की नई उपाधि मिली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। एपीजे अब्दुल कलाम जी को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न प्रदान किए गए। एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने भी समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कलाम जी ने कहा था कि संगीत और नृत्य एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम वैश्विक शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। कला में पूरे विश्व को साथ लाने की ताकत है। डॉक्टर कलाम युवाओं और बच्चों के बीच खास लोकप्रिय हैं,
यह उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि साल 2003 और 2006 में उन्हें एमटीवी ने बतौर यूथ आइकन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था। उन्हें युवाओं के साथ समय बिताना काफी पसंद था। डॉक्टर कलाम जी उच्च विचार वाले व्यक्ति थे जो हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहते थे। इसका उदाहरण ये है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह अपनी पूरी सैलरी दान में दे दिया करते थे। 27 जुलाई 2015 को 84 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया और देश ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। लेकिन उनके प्रेरणात्मक विचार हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे और लोगों के दिल में सदा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।